बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड द किचन। और आज किचन में हम आपके साथ अफ्तार स्पेशल दही फुल्कियाँ शेयर करेंगे। आप इसे किसी भी फीस्ट पे तैयार कर सकते हैं, बहुत ही स्पंजी। और कैसे सेव करते हैं ये भी शेयर करेंगे। फटाफट से करते हैं इसकी तैयारी शुरू। एक कप बेसन लेंगे और इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। खाने का सोडा इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चुटकी यानी 1/4 चाय का चम्मच। इसके साथ इसके अंदर जाएगी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और अजवाइन ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा और एक थिक सा बैटर तैयार कर लीजिएगा। फुल्कियों के लिए बैटर का ख्याल रखें कि ये बैटर पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक हो, यानी जब आप इसे उठाएं तो इसकी ग्रिप होनी चाहिए। और अभी हम इसे अच्छे तरीके से विस्क करेंगे और विस्क करने के बाद बिल्कुल एंड पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मेरे पास है सूखा धनिया और जीरा पाउडर मिक्स, ये है 1 टीस्पून पिसा हुआ। अब हम इसे रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और इसके बाद अब हाथों की मदद से आप देखें कि मैंने किसी भी स्पून या किसी भी मोल्ड से नहीं डाली, अपने हाथों से इसे ऑयल में ऐड कर रही हूँ डायरेक्ट पकौड़ों की तरह। तो आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। जब एक साइड पे बड़ा गोल्डन सा अच्छा सा कलर आएगा तो साइड को टर्न कर देंगे। जी, तो जैसे आप देख रहे हैं दोनों साइड्स पे बड़ा अच्छा सा कलर आ गया था। तो अब हम इसे ड्रेन आउट करेंगे और ड्रेन आउट करने के बाद हम इसे ठंडे पानी में ऐड कर देंगे। पानी जो हम इसके लिए लेंगे उसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसे अब सोक कर देंगे इसी पानी में। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे इस पानी में और इसके बाद हम इसे ड्रेन आउट करेंगे किसी भी छन्नी में या अपने हाथ की मदद से 10 मिनट के बाद। जी, तो 10 मिनट गुजर चुके थे। ये देखें किस कदर सॉफ्ट सी और स्पंजी सी हमारे पास फुल्कियां तैयार हुई हैं, बिल्कुल टूट भी नहीं रही। और हाथ की मदद से मैंने दबाने के बाद इसका पानी रिमूव कर दिया है और अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। दही लेंगे, ये मेरे पास 1/2 kg है और 3 टेबलस्पून इसके अंदर पिसी हुई चीनी जाएगी, 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट जाएगा और जीरा साबुत जाएगा 1 टीस्पून। अब सब चीजों को अच्छे तरीके से विस्क करेंगे। और हमारी ये दही फुल्कियां बिल्कुल तैयार हैं। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। चाट मसाले की रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चैनल पे जाकर भी इसे सर्च कर सकते हैं। साथ में गार्निशिंग करेंगे पुदीने से। आप इसे एंजॉय कीजिएगा अफ्तार में किसी भी दावत में। और फुल्कियों को जब फ्राई करें ठंडा करने के बाद उसे किसी भी जिप बैग में निकालें और फ्रीजर में फ्रीज कर लें, जब भी चाहिए हो पानी में बॉइल करें और ऐड कर लें। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी लेके, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।